First assertion, blood and lymph both are circulatory fluids. That is correct. Circulatory fluids, fluid tissue, एक ही है हमारे पास, that is दो है, that is blood and lymph. That is true statement. Next statement is, blood flows in both direction, but lymph flows in one direction. Both direction blood कौन सा है? Blood that is forward, backward direction और upward, downward direction. अपवर्ड डाउनवर्ड. जब हम लोग हार्ट की बात करते हैं तो आयोटा से निकल के बाहर जाता है ब्लड, है ना, दैट इज अ रिवर्स डायरेक्शन, बैकवर्ड वाला जिसको हम कह सकते हैं, या अपवर्ड डायरेक्शन. लेकिन जब ही लंग्स से आया है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया. आपकी बॉडी में ब्लड का जो फ्लो हो रहा है, बिकॉज हार्ट इज पंपिंग द ब्लड, तो वो पूरा सर्कुलेशन देता है. सो वन टाइम इट इज गोइंग अप एंड अदर टाइम इट इज गोइंग डाउन. दैट इज वाई वी से ब्लड शोज डबल डायरेक्शन. ठीक है, अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात हो वो गलत है. बैक फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, लेकिन ऐसे सिंगल, मतलब ब्लड वेसल में सिंगल, पर बॉडी के अंदर तो डबल डायरेक्शन हुआ ना, इट इज गोइंग बोथ वेज, अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड्स. ठीक है, सो ब्लड फ्लोज इन बोथ द डायरेक्शन एंड लिम्फ फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली. दैट इज इन द लिम्फ नोड्स वो रुक जाएगा, खत्म हो जाता है, वहीं से उठाया और वहीं पे खत्म कर दिया डिपॉजिट. उसके आगे फिर नवा फ्लो शुरू होगा, नवा खत्म हो जाएगा. हाँ, टिश्यू टू लंग पूरी बॉडी में जाएगा, लॉन्ग विद द ब्लड वेसल लिम्फ वेसल्स होते हैं. मैं समझाती, पहले असर्शन रीजन करवा लूं सारे. बच्चे ये सुन लीजिए, टेस्ट के दोनों असर्शन रीजंस आपके जो दोनों सेट में कल आए हैं उनके असर्शन रीजन आंसर्स हैं. Kindly listen. अब सेकेंड स्टेटमेंट मेरे बताइए मुझे सही है या गलत. ट्रू है. अगर अब इसको मैंने बोला कि एज अ रीजन फॉर द फर्स्ट, बनता है क्या कि क्योंकि ब्लड जो है वो दो डायरेक्शन में जाता है और लिम्फ एक डायरेक्शन में जाता है इसलिए वो फ्लूइड टिश्यू है. रॉन्ग है वो. करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे है? अगर रीजन असर्शन वाला स्टेटमेंट होता फिर वो एक्सप्लेनेशन होता. यहाँ पे ये रीजन थोड़ा ना कि दीज आर द सर्कुलेटरी फ्लूइड्स, तो रीजन इसमें ये लिख सकते थे कि ब्लड और लिम्फ जो है वो फ्लूइड टिश्यूज हैं, या दे आर ऑलवेज फ्लोइंग इन द बॉडी, कुछ ऐसा. ठीक है, अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को उल्टा के देखो, रीजन को असर्शन बना लो और असर्शन को रीजन, फिर ये ए ऑप्शन आएगा. कनेक्टिव टिश्यू वो रीजन नहीं हो सकता था फिर भी, किसका, कि ये सर्कुलेटरी फ्लूइड्स हैं. हाँ, फिर सही था. कनेक्टिव टिश्यू लिखा होता फिर भी ये सही था. ठीक है, सो दिस इज आंसर इज बी. डन. एनी कंफ्यूजन? सेकेंड assertion रीजन, द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड, इट इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन द कलर इज रेड. वाई? ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन होता है तो कलर उसका रेड है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का कंसेप्ट समझा रहा है. So the answer should be A. ठीक है. Next assertion is transpiration is the process which is associated with ascent of sap. Ascent of sap क्या होता है? Materials within the plant they are moving in the upward direction. बच्चे, those who want to talk they can please leave the room, go out and keep on talking, please. If you want to sit here, you have to be quiet. Just give me the response to the answers. Do not talk for the other things. Hanji, listen to this statement assertion. Transpiration is a process which is associated with the ascent of sap. Ascent of sap means jo material movement hota hai in the upward direction and transpiration is possible. Hai na? That is responsible for the ascent of sap kyunki wo upar se pull laga raha hai, isliye wo upar ja raha hai. Statement is true. Okay. Reason, transpiration process helps in lowering the temperature of plant. Is it? How? Loss of water. As in our body, the loss of water is sweat. So, हमारे को sweat क्या करता है? That also allows a cooling effect. So are the plants. Plants में भी transpiration से cooling effect होता है. ठीक है? So that is the correct statement. Helps in lowering down. क्या ये रीजन स्टेट कर रही है असर्शन को? नहीं, वो सेंट ऑफ सैप का अलग बात हो रही है और टेम्परेचर की अलग बातें हो रही है. ठीक है, किसका रीजन? ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ सक्शन प्रेशर
इट पुल्स अप द वॉटर इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसा कुछ. दैट इज रिस्पॉन्सिबल ना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल. अब हमारे अंदर स्वेटिंग होता है, गर्मियों में हमें स्वेटिंग होता है तो हमें गुस्सा चढ़ता है, बट अदरवाइज तो वो हमारा नेचुरल प्रोसेस है कि वो हमें कूल रखे. टेम्परेचर हमारा बॉडी हीट से जो टेम्परेचर बाहर आ रहा है वो कूल डाउन रहे, ठीक है. हमें नेचर ने प्रोवाइड किया कूलिंग इफेक्ट. ऐसे प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन हो रहा है, पता है, तो फिर जब ट्रांसपीरेशन हो रहा है तो फिर वो तो हो ही रहा है, कूलिंग तो आना ही है. वॉटर लॉस डिक्रीज, कूल इफेक्ट मीन्स लोअरिंग डाउन ऑफ टेम्परेचर. अगेन हाँ जी, डन विद द थ्री असर्शन रीजंस. ओके, फोर्थ असर्शन रीजन ऑफ द सेम सेट है. क्या नहीं समझ आया? ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस विच इज एसोसिएटेड विद असेंट ऑफ सैप. ये सेम जा आ गया, जिससे मटेरियल जो है अपवर्ड डायरेक्शन में पुल होना है. असेंट ऑफ सैप क्या होता है? सैप मटेरियल दैट इज द सैप वैक्यूल, नहीं सुना है ना? दैट इज मटेरियल जो है वो उसमें से ट्रांसपोर्ट होकर ऐसे ऊपर जाते हैं. जितना मटेरियल ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू द वैक्यूल्स, हम उसको बोलेंगे सैप, ठीक है. और उसको पुल कौन कर रहा है? पुलिंग, हाँ, मूवमेंट, एसेंट बोलते हैं. मूवमेंट को एसेंट बोलते हैं, और जो मटेरियल है उसको सैप बोलते हैं. हाँ, मटेरियल पास होता है पूरा. हाँ, मटेरियल खुद नहीं जाएगा, सिर्फ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, खींचा जा रहा है. ट्रांसपीरेशन पुल पड़ी थी थ्योरी. ट्रांसपीरेशन पुल क्या करती है बेटा? फिर क्वेश्चन तो घुमा के ही बनेंगे ना. साइलेंस. इतना टाइम नहीं लग रहा, वैसे स्टेटमेंट सीधी है, सिंपल स्टेटमेंट है. नहीं, वैसे भी सिंपल है. अच्छा चलो नेक्स्ट करें. ट्रांसपीरेशन लोअर्स डाउन द प्लांट टेम्परेचर, लोअर्स डाउन द प्लांट टेम्परेचर, प्रोवाइड्स अ कूलिंग इफेक्ट. नेक्स्ट इज ट्रांसपीरेशन रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स. हाउ इट विल बी पॉसिबल रिड्यूसिंग द मिनरल सॉल्ट्स? लॉस हो रहा है लेकिन रिडक्शन नहीं हो रहा है, है ना? लॉस ऑफ वाटर वेपर्स होता है ट्रांसपीरेशन से, पर मिनरल्स का कोई उसमें कनेक्शन नहीं है. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. आंसर शुड बी सी, जहां असर्शन सही है और रीजन रॉन्ग है, ठीक है. नेक्स्ट इज हाउ आर यू सपोज टू सिट इन द क्लास? इज दिस योर क्लास और योर डाइनिंग एरिया? समझते हो आप लोग? हाँ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसपीरेशन लोअर्स डाउन द प्लांट टेम्परेचर, दैट इज करेक्ट. लोअर्स डाउन मीन्स कूलिंग इफेक्ट देता है. नेक्स्ट इज ट्रांसपीरेशन रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स, दैट इज रॉन्ग, ठीक है. सो असर्शन बीइंग करेक्ट, रीजन बीइंग रॉन्ग, द ऑप्शन इज नॉट ए और बी, इट इज सी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी सिम्टम्स अकर इफ द सॉइल इज लैकिंग एनी पर्टिकुलर एलिमेंट. Assertion statement है, deficiency symptoms तब आते हैं if the soil is lacking any particular elements, ठीक है. deficiency symptoms जैसे infertility is a very big effect, deficiency effect, हैं जी. simple dying of the tissue, है ना, losing of the color, chlorosis और necrosis terms use करते हैं हम इसके लिए. तो this is plants की जो growth है वो रुक जाती है. ये हमारे जो normal ग्रोथ फीचर्स हैं जो नहीं क्लियर हो पाते. सो डेफिशिएंसी सिम्टम अपने आप में मतलब क्या है कि वो सिम्टम्स जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के पूरे होने पे ना पूरे होने पे आए, ठीक है. मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स आई गेस आपको नाइन्थ में से याद होंगे, याद है, ठीक है. दोज विच आर रिक्वायर्ड इन हायर अमाउंट्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स, दोज विच आर रिक्वायर्ड इन द लोअर अमाउंट्स दे आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है. मैक्रो मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस एक्सेस एंड डेफिशिएंसी ज्यादा दिक्कत देती है प्लांट्स की ग्रोथ में.
माइक्रो मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा या कम हो जाएं तो ज्यादा सिम्टम्स नहीं आते, ठीक है, वो ऑलरेडी थोड़े चाहिए थे तो थोड़े ही रहेंगे, तो फिर टेंशन नहीं होती, ठीक है। सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज रीजन, एक्सेस ऑफ मिनरल्स कॉज टॉक्सिसिटी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, वी नो दैट, अगेन दिस इज ट्रू। डज दिस रिलेट द असर्शन? नॉट एट ऑल। सो दिस इज बी, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन सम एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस द फर्स्ट स्टेप ऑफ गैसियस एक्सचेंज अकर्स थ्रू द बॉडी सर्फेस, इज इट बॉडी सर्फेस से होता है? यस। नेक्स्ट इज, हाँ कौन गया, नेक्स्ट इज रीजन, बॉडी सर्फेस और मेम्ब्रेन ऑफ एम्फीबियंस इज थिक इन नेचर, फॉल्स, दैट इज वाई रीजन इज रॉन्ग एंड असर्शन इज ट्रू, तो ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट असर्शन रीजन इज, असर्शन स्टेटमेंट, when water has to be conserved in the body, ADH is secreted from the posterior pituitary. अब ये ADH क्या है? That is an anti-diuretic hormone. ये urine के related है, आप लोगों ने पहले नहीं किया तो अभी इसको कर लो। When water has to be conserved in the body, means there is a, you can say imbalanced water loss. Water की regulation जो है ना, water balance in short, water balance जो है हमारी body के अंदर, जो आपके excretion topic के साथ related है, that is controlled by the hormone which is called as ADH. Okay, what is the role of this? That is, it has to create the water balance within the body. Water balance, ADH is anti-diuretic hormone. This is secreted by the pituitary gland. Okay, plants ke andar ye nahi hota, plants ke andar baki bhi hormones hote hain, ye nahi hai. आप लोग का चैप्टर ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस ऑफ सीबीएसई, वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस हम करवाते हैं, तो वहां पे इसका भी नाम आता था, ठीक है। सो दिस इज एडीएच एज अ हार्मोन विच क्रिएट्स अ वाटर बैलेंस। अगर कम वाटर रिमूव आउट हो रहा है, मींस मोर ऑफ सॉल्ट्स आर बीइंग रिमूव्ड, है ना, मतलब पानी अगर कम पड़ गया तो सॉल्ट्स की कंसेंट्रेशन अपने आप में ज्यादा होगी, तो ऐसे में भी प्रॉब्लम है। अगर पानी बहुत ज्यादा हो गया तो सॉल्ट कंसेंट्रेशन कम कंसिडर होगी, वो भी प्रॉब्लम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए दोनों कंडीशंस को, एडीएच विच इज सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दैट ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द ब्रेन, ठीक है, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज आल्सो कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड एंड दिस ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द ब्रेन। ये ब्रेन के अंदर है और वहां से सिक्रीशन देता है, जो सिक्रीशन एडीएच है, एडीएच पहुंचती है हमारी किडनीज के पास और वहां जाके सारा कुछ नॉर्मलाइज करती, ठीक है जी, डन। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट इज व्हेन वाटर हैज टू बी कंजर्व्ड इन द बॉडी, एडीएच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, डन। नेक्स्ट इज, एडीएच रेंडर्स द वॉल ऑफ डीसीडी कलेक्टिंग डक्ट एंड द ट्यूब्यूल इम्परमीएबल टू वॉटर। अगर वो इम्परमीएबल कर देगा उसको, तो पानी का गेन और लॉस जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो ये गलत हो गया है जी। डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तो किया है, हाँ ये तीनों पार्ट्स उसने नेफ्रॉन के बोले हैं कि एडीएच क्या करेगा, डीसीटी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, सॉरी कलेक्टिंग डक्ट और ट्यूब्यूल्स को इम्परमीएबल कर देगा, तो दैट इज अगेन रॉन्ग, ठीक है। परमीएबिलिटी बढ़ाएगा जिससे पानी जो है एब्जॉर्ब और रीअब्जॉर्प्शन पॉसिबल हो पाएगी, हेंस कंट्रोलिंग द वॉटर बैलेंस, डन। सो द ऑप्शन फॉर दिस शुड बी सी, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। नेक्स्ट इज, the normal heart rate is 75 beats per minute and cardiac cycle is 0.8 seconds. Okay, 0.8 seconds का cardiac cycle, cycle मतलब three phases, that is on left side followed by the three phases on the right side. ठीक है, one side का three phases makes the cardiac cycle. That includes, what are the three phases? First क्या है? First, जब ब्लड एंटर करना है, जॉइंट डायस्टॉल, सेकंड एट्रियल सिस्टॉल, थर्ड वेंट्रिकुलर सिस्टॉल। सिस्टॉल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। डायस्टॉल क्या होता है? रिलैक्सेशन, ठीक है। तो दिस इज रिलैक्सेशन इज डायस्टॉल। सो नॉर्मल हार्ट बीट इज, हार्ट रेट इज 75 बीट्स पर मिनट एंड कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकंड्स, ठीक है, डन है। नेक्स्ट इज, कार्डियक साइकिल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हार्ट रेट, 72 बीट्स पर मिनट, दैट इज द पल्स रेट जो काउंट किया जाता है नॉर्मल में, ठीक है, ऑन एन एवरेज 72-75 पे चलता है। आपकी बुक में चेक कर लेना, जो भी वहां पे लिखा होगा ना एनसीईआरटी का,
तो उसके हिसाब से यस करना, ठीक है। लुकआउट की एनसीईआरटी में वैल्यू एग्जैक्ट दिया है, क्या दिया है या रेंज दी है, इसमें तो ट्रू लिखा है, नहीं ये ट्रू लिखा है। Approximate is like this is an average, that's a range, 72 to 75, हाँ 72 to 75 range होता है, 72 times तो exact है, हाँ but average है ना, that is on an average है, range है, ये range ही लेके चलते हैं हम तो normal, आपकी NCERT consider करेंगे अगर उसमें लिखा है तो, ठीक है। चलो next is cardiac cycle is inversely proportional to the heart rate. इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कैसे ट्रू, कैसे, हार्ट रेट बढ़ेगा तो कार्डियक साइकिल कम होगा, इनवर्सली बोला उसने, कैसे बीट क्या होती है, बीट्स क्या होती है, क्या कर रहे हो, 60 टू 75 करेंगी तो 0.8 आएगा, तो इसमें रिलेशन बताओ ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे, आई एम नॉट गेटिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे बना रहा है, अच्छा अकरेंस ऑफ कार्डियक साइकिल को कर रहा है, ठीक है, हाँ सही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यस, एंड इट इज डिस्क्राइबिंग, तो डिस्क्राइब तो वही कर रहा है दोनों पॉइंट्स को, हाँ तो ए आंसर आएगा, ठीक है, हाँ जी, सो दिस इज ए आंसर। नेक्स्ट इज असर्शन, राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट हैज अ थिनर वॉल देन दैट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, इज इट, राइट वेंट्रिकल हैज अ थिनर वॉल देन द लेफ्ट, क्योंकि राइट वाला कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड ऑक्सीजनेटेड ज्यादा होगा तो वो थिकर वॉल्स होंगे, है जी, तो वो तो कॉम्प्रिहेंशन उसकी जो भी उसकी कंप्राइजिंग है ना क्वालिटीज उसके हिसाब से थिन एंड थिक भी होते हैं, तभी तो वो प्रेशर ज्यादा और कम भी एक्सर्ट करेगा ना। हमने कभी ये पढ़ा कि हमें वेंट्रिकल जो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड गया तो वो पूरी बॉडी में भेजना है, नहीं, दैट इज बिकॉज ऑफ द जो उसके हार्ट का स्ट्रक्चर है ना उसी से उसका प्रेशर डेवलप होगा, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पंप करवाना है, कार्बन डाइऑक्साइड वाले को अलग पंप करवाना है, शॉर्टर डिस्टेंस है, लॉन्गर डिस्टेंस है, इन चीजों पे डिपेंड करता है। राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट हैज अ थिनर वॉल देन द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, हाँ जी फिर से शुरू हो गए, हाँ समझ ही नहीं आ रहा मुझे, ऊंची बोलो, That is a pressure to be exerted, ना? कौन सा? Layer कौन सी कम होती है? वो pericardium ही होती है, that is thin and thick, बस दोनों तरफ हमारे जितना भी distribution है वो equal है, muscles का distribution equal है, बस उसमें thinness of the tissue and thickness of the tissue ज्यादा कम है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरा लॉन्ग डिस्टेंस जाना है तो उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा चाहिए, वैसे ऑरिकल्स का कंपैरिजन में वेंट्रिकल्स का थिक होता है, पर वेंट्रिकल्स में भी लेफ्ट वाले का ज्यादा थिक होता है, राइट वाले का कम होता है, जस्ट वही कि पंपिंग कितना करना है ब्लड को, कितना दूर तक भेजना है। शाबाश 10th बी क्लास, वेरी नाइस, हां जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज Walls of ventricles are thicker than auricles. Yes. This helps in preventing the backflow of blood. Walls की वजह से नहीं होता, हाँ ठीक है, valves की वजह से होता। So this is C. हाँ जी, any other question?